नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अब चलिए एनडीटीवी स्पेशल की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हवा की सेहत बेहद खराब है। सड़कों पर गड्ढों के साथ अब धूल लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। खराब सड़कों की वजह से उड़ रही धूल हवा को खराब कर रही है। दिवाली के बाद से लगातार भोपाल में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है। हालत यह है कि इस महीने में पांच बार AQI 300 के पार रहा है। कई सवाल है जिनके जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे और एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन आइए सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल के रहने वाले मोहन सिंह विश्वकर्मा कोलार रूट पर 8 साल से रेस्टोरेंट चलाते हैं। मोहन अब मास्क लगाने लगे हैं क्योंकि धूल और खराब हवा का असर उनकी सेहत पर पड़ रहा है। बीमार होने लगे हैं इसलिए मास्क से मुंह ढक कर चलते हैं। सिर्फ मोहन ही नहीं, कुछ इलाकों में प्रदूषण से परेशान ट्रैफिक पुलिस भी अब मास्क का सहारा ले रही है। ये रोडे बन रहे हैं, इससे धूल बहुत उड़ रहे हैं और बहुत से लोगों धूल की वजह से अस्थमा की, सांस की बीमारी और आपकी सर्दी जुकाम, ये सब कुछ हो रहे हैं। तो हम तो कहते हैं सभी मास्क पहने, सुरक्षित रहें, ये धूल मिट्टी से बचे। सबसे ज़्यादा तो मेन यही, अब रोड के काम चालू है, रोड बन रहे हैं, अब गाड़ी धूल इतनी उड़ रही है कि आप बता ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हवा लगातार खराब हो रही है। भोपाल की खराब सड़कें, पटाखे, कंडम वाहनों से निकलते धुएं से प्रदूषण तेजी से बढ़ा। इसी महीने में 5 बार एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार रहा। भोपाल के एमपी नगर में इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे आसपास आप देखेंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा धूल है, धूल का गुबार है। गाड़ियां तेजी से गुजरती हैं और धूल लोगों को परेशान करता है। लंबे समय से यहाँ सड़क खराब है, सड़क तो बनी नहीं, लेकिन मानसून के बाद अब धूल जरूर लोगों के लिए मुसीबत बन गई है और इससे बीमारी भी हो रही है। हालात ये हैं कि भोपाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार तक पहुंच रहा है। ARAI पुणे की रिसर्च के मुताबिक भोपाल में धूल प्रदूषण बढ़ाने में सबसे ज्यादा 62.2% जिम्मेदार है। परिवहन से 13% तक प्रदूषण फैल रहा है, जबकि कंस्ट्रक्शन से करीब 12.1% प्रदूषण बढ़ता है। वहीं खुले में कचरा जलाना 2.9% तक वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहा है। जानकार बढ़ते वायु प्रदूषण को स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानते हैं। PM2.5 के पार्टिकल बहुत महीन पार्टिकल होते हैं जो सांस में अंदर तक जाते हैं, फेफड़ों के अंदर तक जाके, और उनका पेनिट्रेशन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अदर ऑर्गन्स तक होता है। तो लॉन्ग टर्म के इफेक्ट भी होते हैं, शॉर्ट टर्म के इफेक्ट भी होते हैं। शॉर्ट टर्म के इफेक्ट पोल्यूशन बढ़ने से सांस संबंधी परेशानियाँ बढ़ती हैं, नाक और आँख की एलर्जी बढ़ती है, तकलीफें बढ़ती है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो कुछ हफ्ते से कुछ महीनों बाद में ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कार्डियक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं कई पेशेंट को, लकवा की बीमारियाँ, हार्ट अटैक, और इन सब समस्याओं में भी इस पर्टिकुलर चीज़ का बहुत योगदान है। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए भोपाल में अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी अब जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ के तहत वर्कशॉप ली जा रही है। विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, जिसमें पुलिस भी शामिल है, नगर निगम शामिल है, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं, दूसरे अन्य विभाग जैसे पंचायत और एग्रीकल्चर के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, उनको हम इसके संबंधित जो विभिन्न चीज़ें हैं उनके बारे में जागरूक कर रहे हैं। जो लगातार एक्सपोज होते हैं प्रदूषण को, उनको बचने के लिए और उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं। एक ओर प्रदूषण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है तो दूसरी ओर नगर निगम प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अब तक स्थिति को ठीक नहीं कर पाया। देखिए, 2-3 स्तर पर नगर निगम भोपाल काम कर रहा है। जो नगर निगम की सड़कें हैं उनको रिपेयरिंग करने का भी हम काम तेजी से कर रहे हैं। साथ ही साथ धूल जहाँ अधिक उड़ रही है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके पानी का छिड़काव करके भी उसको कंट्रोल करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर के हम सबका ये प्रयास है कि शहर में जो अपना पर्यावरण है वो भी संतुलित रहे और किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी नागरिकों को ना हो।
प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम के अपने दावे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी पुअर कैटेगरी में है और ये हवा आपकी हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है, खतरनाक है। तमाम कोशिशों और दावों के बीच एयर क्वालिटी लगातार खराब हो रही है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV। तो देखिए रिपोर्ट तो आपने देख ली और हमारे साथ पैनल भी जुड़ गया है, जल्दी से परिचय करवा देते हैं। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि पर्यावरणविद हैं और उमाशंकर तिवारी जी जुड़ गए जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी अजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, भोपाल के हाल की बात की जाए तो क्या हो गया है भोपाल को, हवा यहाँ की क्यों इतनी खराब हो गई है? देखिए भोपाल के हाल को मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी ने अपनी इस रिपोर्ट में, ग्राउंड रिपोर्ट में सब कुछ बता दिया है कि क्या वास्तविक हालात हैं इन दिनों भोपाल के और किस तरीके से सरकार और प्रशासन कवायद कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब भोपाल के कभी नहीं रहे ऋतु, और जिस तरीके के अभी हालात हुए हैं उस तरीके के हालातों से निपटने के लिए प्रशासन उतना तैयार भी नहीं था, ना तो नगर निगम तैयार था और ना जिला प्रशासन तैयार था, क्योंकि इसके पहले भोपाल की हवा इस तरीके से ख़राब नहीं हुई कि भोपाल गैस चैम्बर के रूप में पहचाना जाए या धूल के चैम्बर के रूप में पहचाना जाए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताऊँ तो आपको, ख़राब सड़कें हैं, दूसरी और दिवाली का पॉल्यूशन है, तीसरी और सबसे अहम बात कि ठंड के दिनों में अक्सर इस तरीके की स्थिति बनती है जब त्योहारी सीजन खत्म होता है, लेकिन इस बार जो आफत बढ़ाई है वो खराब सड़कों ने ज़्यादा बढ़ाई है। खराब सड़कों से जिस तरीके का पोल्यूशन हुआ है, सड़कों को वक्त रहते मरम्मत नहीं की गई, उसके बाद इस तरीके के हालात बने हैं कि लगातार सड़कें धूल से भरी हुई हैं। और एक और सबसे बड़ा कारण कि भोपाल में लगातार चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे मेट्रो के प्रोजेक्ट हो, चाहे अलग अलग इलाकों में चल रहे फ्लाईओवर्स, इनने सबसे ज़्यादा हालत ख़राब की है। और कंस्ट्रक्शन साइट से जिस तरीके का पोल्यूशन निकल कर आया है उसने भोपाल की पूरी फिज़ा को बिगाड़ कर रख दिया। जो शहर अपने बीचों बीच हरियाली और तालाब और तलैयाओं के लिए पहचाना जाता था, वो कोई नहीं कह सकता है कि इस तरीके से उसकी हवा इतनी ख़राब होगी। आमतौर पर जब सवेरे लोग सैर करने के लिए निकलते थे भोपाल में पिछले दिनों, पिछले कुछ अरसे पहले, तो उनका सीधे तौर पर सरोकार हुआ करता था कि इतनी साफ़ हवा, इतना साफ शहर, देश की पहली ऐसी स्वच्छ राजधानी कोई दूसरी नहीं हो सकती जो भोपाल है। लेकिन इन सब के बीच में पिछले कुछ अरसे में जिस तरीके से हवा में जहर घुला है, हवा में धूल घुली है और दम घोटू माहौल हुआ है पॉल्यूशन के चलते, वो कहीं ना कहीं प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें तो खींच रहा है, आम लोगों की धड़कन इस लिहाज से बढ़ा रहा है कि ऐसी हवा के बीच और ऐसे पॉल्यूशन के बीच वो कैसे वॉक पर निकलें, कैसे सड़कों पे बिना मास्क लगाए घूमें। और लगातार अस्पतालों में भी इसके हालात देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब इस तरीके का मौसम बनता है, इस तरीके के हालात और परिस्थितियाँ बनती हैं ऋतु, तो सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है अस्पतालों में, अलग अलग बीमारियाँ, अलग अलग लोगों को एलर्जी के प्रकरण, किसी को दमा और अस्थमा का की परेशानी है तो किसी को सिरदर्द की परेशानी है, ये तमाम परेशानियों के हालात जो जिले के बड़े अस्पताल हैं उनमें देखने को मिलते हैं। और प्रशासन के वही हालात, जब भोपाल की हवा दमघोटू हो चुकी है, जहरीली हो चुकी है और धूल से भरी हुई हो चुकी है, तब प्रशासन जो है कार्यशाला ले रहा है, मतलब आप तब कार्यशाला लेने के लिए बैठे हैं। क्या कुछ किया जा रहा है अजय, ये इसको लेकर मैं आपसे आगे भी सवाल करूंगी। दो मेहमान भी हमारे साथ बने हुए, अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, AQI 300 के पार कितना खतरनाक है ये? देखिए आम नागरिकों के लिए तो ये जानलेवा साबित होता है, क्रॉनिक डिसीजेज जो भी रहती हैं, अस्थमा या जो भी सांस की संबंधित प्रॉब्लम होती है, स्किन डिसीजेज होती हैं, तो ये भविष्य के लिए बहुत घातक होती है और इनकी इम्यूनिटी भी कमजोर करती है। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उनके लिए, और जो नवजात जो भी शिशु हैं सब आसपास के इलाके में, ये आम जो आम आदमी जो मध्य वर्ग है उससे नीचे वालों की स्थिति बहुत खराब है, क्योंकि उनके लिए कोई प्रबंधन करने की कोई बेहतर व्यवस्था रहती नहीं है वायु प्रदूषण से। जबकि जो उच्च स्तर का क्लास है, हाई क्लास है, सरकारी ऑफिसेज है, वहां तो आजकल एयर प्यूरिफायर और बहुत सारी सुविधाएं होती है। तो निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश सरकार की असफलता है। ये भोपाल के कलेक्टर, PWD और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो सड़कें बनवाने में नगर निगम है, मैं अभी देख रहा था कि नगर निगम अध्यक्ष जी ये दावा कर रहे थे कि हम प्रदूषण को कम करेंगे, आप कब कब करोगे? दीपावली के बारे में सबको पता है कि जब भी ये होता है पर्व तो फटाकों के प्रदूषण से लोग त्रस्त होते हैं, सुप्रीम कोर्ट नाराजगी जाहिर कर रहा है, NGT नाराजगी जाहिर कर रहा है। तो आप यदि पूरा जो घटनाक्रम देख रहे हैं, मैं वीडियो देख रहा हूँ जो अजय जी और जो आकाश जी का है, उसमें
आपको दिख गया, एनडीटीवी को दिख गया, आम आदमी को दिख गया, प्रशासन को नहीं दिखा। और ये भी मैं ऋतु बताना चाहूंगा कि जो भी सड़क बनती है ये शर्त के साथ बनती है, जो ठेकेदार रहता है उसको जो धूल होती है, डस्ट होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए बिल्कुल बाध्यकारी है, ये उसकी शर्त है। आखिर उसको पेमेंट कैसे हो रहा है जब वो सड़क बना रहा है या सड़क का मेंटेनेंस कर रहा है और वो धूल को नियंत्रित नहीं कर रहा, ये बचा रहा है, ये एक तरह से भ्रष्टाचार भी है, मानव जीवन के साथ खिलवाड़ है कि आप सड़क बनाते हो सुविधा के लिए, लेकिन ऐसी जानलेवा सुविधा जो आम नागरिकों को हवा नहीं लेने दे सकती। हमारा जो भोपाल है वो उसकी खूबसूरती, पर्यावरण, वहां पे हरे वृक्ष, ताल तलैया और टाइगर्स, इन सब के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन जो विजुअल्स आ रहे हैं वो हैरत अंगेज है। और इस पे कलेक्टर को फील्ड पे उतरना चाहिए, भाई कौन कर रहा है ये लापरवाही, आप एक्शन लीजिए, पेनल्टी लगाइए। हर मामले में सुप्रीम कोर्ट, हर मामले में एनजीटी दखल नहीं दे सकता। कुछ समय पहले एनजीटी के डायरेक्शंस भी हुए थे कि जब भी सड़क बनती है तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आप जो अनुमति लेते हैं आप उसका कंप्लायंस करिए। ये जो भी आप देख रहे हैं खराब सड़क, ये कैसे ये सब हो रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी ने आंखें मूंदी हैं, वो मजबूरी में मूंदी हैं या आंखें बंद कर रखी हैं, क्योंकि जो ठेकेदार रहते हैं वो सब राजनीतिक लोगों के गुर्गे रहते हैं। उमा शंकर जी, माफ कीजिएगा, अजय जी आपने जो सवाल उठाया इसका जवाब मैं अपने सहयोगी अजय से लूंगी, लेकिन उसके पहले उमा शंकर जी के पास चलते हैं। उमा शंकर जी से जानते हैं कि आखिर हम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे, कहाँ पर कमी हो रही, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर मैं तस्वीरें देख रही हूँ, आपने भी देखी होंगी, ऐसे में घर से निकलना तो जाहिर सी बात है कि दुश्वार है। देखिए अभी घर से निकलना तो छोड़िए मैडम, अभी जो हो रहा है कि मैं घर में बैठा हूँ, घर में अभी सांस लेने में मुझे इस समय भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि चारों तरफ पराली जल रही है और ये जब दीपावली आती है उस समय और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि फटाके जो हम खरीद के लाते हैं, लाइन में लग के फटाके खरीदते हैं, करोड़ों रुपए के हम पूरे देश में फटाके जला देते हैं, कम से कम 80 लाख टन से ज्यादा हम बारूद एक दिन में जलाते हैं और कम से कम हमारा 15-20 हजार करोड़ रुपया इसमें बर्बाद हो जाता है, और आपको और हमको साक्षात मिलता है ये मौत के रूप में। PM2.5 जो बढ़ रहा है, जिसका स्तर इतना बढ़ चुका है कि लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है और आने वाले दिनों में और परेशानी होगी, लेकिन सरकार ने बड़ी अच्छी सुविधा दे दी है कि 70 साल से ऊपर वालों के लिए भी उसमें आयुष्मान में ले आए हैं और उसके पहले वाले भी सुविधा दे दी है कि अब लोगों को मरना है, ये समय से पहले मरेंगे। और आपको ये भी जानकारी होगी, सभी ज्ञानी लोग बैठे हैं इसमें, अजय जी भी जानते हैं और हमारे जो संवाददाता हैं आप भी, कि दिल्ली वालों की भी उम्र कम हो गई है और जहां जहां प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, ये अगर इसी प्रकार से प्रदूषण रहा तो 8-10 साल उम्र घट जाएगी, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका है हमारे अपने लोगों की, जिला प्रशासन के लोगों की। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2016 में ही निर्धारित कर दिया गया है प्रदूषण पर कार्रवाई करने के लिए, पराली जलाने के लिए, और बार बार सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है, वो किसके लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं आम जनता के लिए, जनजीवन के लिए, पशु पक्षी के लिए, इस पूरे देश के वातावरण के लिए, लेकिन इस पे सुनवाई कोई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है, अधिकारी काम नहीं कर पा रहे, और अधिकारी काम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फोन आ जाते हैं। ये जो सड़कों की स्थिति हो रही है, ये जो हम बोल रहे हैं कि निर्माण कार्य, निश्चित रूप से पूरा भोपाल और बड़े बड़े शहर जो भी है वो बहुत प्रदूषण की गर्त में है। PM2.5 का लेवल और PM10 जो जिस प्रकार से बढ़ रहा है, लोगों को अपने कुंडली में अपनी 10 साल उम्र कम करवा लेना चाहिए अपने ज्योतिष से, क्योंकि कोई नहीं रोक पाएगा मरने से, और हार्ट अटैक तो कब आया। बिल्कुल, ये काफी ज्यादा चिंता की बात है। और जैसा कि अजय जी ने एक सवाल किया था, मैंने कहा था कि हमारे सहयोगी अजय से इसका जवाब लेंगे। अजय, तस्वीरें हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि स्थिति क्या है। जब आपको पता है कि हर साल जब सर्दियों का मौसम आता है तो ऐसी स्थिति होती है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते? ये जो कंस्ट्रक्शन है ये अधूरे क्यों पड़े हुए अभी तक? देखिए, भोपाल में तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी डेडलाइन से पीछे चल रहे हैं, और सारे डेडलाइन जो तय थी उनसे काफ़ी समय इनको लग रहा है, और यही कारण है कि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। दिवाली के 3-4 दिन पहले नगर निगम भोपाल ने पानी का छिड़काव की व्यवस्था की, और पानी का छिड़काव किया गया, उन तमाम इलाकों में किया गया पानी का छिड़काव, और उसके बाद उस दौरान पोल्यूशन का लेवल कम हुआ छिड़काव से। लेकिन जो संसाधन नगर निगम के पास इतने बड़ी राजधानी भोपाल में होने चाहिए थे वो नहीं रहे, वो नाकाफी साबित हुए। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी
कि पोल्यूशन का लेवल अलग अलग जगह में था और नगर निगम के पास दर्जन भर गाड़ियां थी ताकि वो दर्जन भर गाड़ियों में ही पानी डला के वो छिड़काव कर सकते। खास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन साइड में आपको बताऊँ, इस वक्त मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मेरे कैमरामैन सहयोगी राजू बाथम जो हैं वो आपको बताएंगे कि मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं वो एक फ्लाईओवर से जुड़ी हुई हैं। एक तरफ आपको मेट्रो का काम देखने को मिलेगा और एक तरफ जीजी फ्लाईओवर का काम देखने को मिलेगा। ये पूरा इलाका एमपी नगर से लेकर जो है वो नर्मदा हॉस्पिटल तक जाता है, गणेश मंदिर तक, और जीजी फ्लाईओवर मेट्रो का, दोनों के प्रोजेक्टों के काम चल रहे हैं। ऊपर भी काम होता है, नीचे भी काम होता है, खुदाई का काम होता है, चारों तरफ इसी तरीके से काम चलता रहता है। उन कामों के बीच में जो खुदी हुई सड़कें हैं उन पर किसी तरीके का यदि पानी का छिड़काव नहीं होगा तो आप इस तरीके के हालात देखते रहेंगे। उन इलाकों में खासतौर पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ दिन भर सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो है वाहन निकलते हैं और पोल्यूशन का लेवल इस हाइट पर होता है कि आम लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सब के बीच में ऊपर से दिवाली का त्यौहार, लोगों ने इस तरीके से आतिशबाजियाँ की जबरदस्त तरीके से त्यौहार के उत्साह में अपने, कि उन्होंने खुद का अपना ध्यान नहीं रखा है। फटाखों पर, फटाखे जलाने, आतिशबाजी पर कोई रोक नहीं लगा सकता, पुलिस भी बेबस नजर आती है। इन सब के बीच में यदि नुकसान हो रहा है तो पूरे ओवरऑल शहर को हो रहा है, क्योंकि यहाँ का माहौल दम घोटू हो रहा है। और सुबह से लेकर रात तक, रात में से जो धुंध, शाम से जो धुंध का सिलसिला शुरू होता है ऋतु, वो अल सुबह तक रहता है। जो मॉर्निंग वॉक तक करने निकलते हैं वो भी जानते हैं कि हवा कितनी जहरीली हो चुकी है भोपाल के कई इलाकों में। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इसी कंस्ट्रक्शन ने भोपाल की वो प्राकृतिक सुंदरता और जो जो बीच शहर के बीच जो हरियाली थी उसको बुरी तरह खत्म किया। बिल्कुल, हरियाली की बात की जाए लेकिन फिलहाल जो मैं तस्वीरें देख रही हूँ अजय, हरियाली तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है और केवल धूल दिखाई दे रही है। तस्वीरें पूरी तरीके से धुंधली हो चुकी है। अजय सर का रुख कर लेते हैं। अजय सर, आखिर इसमें रोक कैसे लगाई जाए? कि देखिए, जैसे कंस्ट्रक्शन को लेकर हमारे सहयोगी ने बताया कि कंस्ट्रक्शन अधूरे पड़े हुए हैं, उन्हें पूरा करने की बात की जाए, कब होगा ये हमें भी नहीं पता। लेकिन जिनको जरूरी है, जिनको सड़कों पर जाना है, काम करना है, उन्हें किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि भोपाल शहर की ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो वाकई में डराने वाली है। अजय जी, देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री भी रहते हैं, गवर्नर भी रहते हैं, एनजीटी का भी यहाँ पे कार्यालय है। तो यदि इन सब के स्तर पर ये समस्या का जो संज्ञान आज लेते हैं एनडीटीवी के इस खबर पे, तो निश्चित तौर पर जो पॉल्यूशन बोर्ड है, नगर निगम है, ट्रैफिक पुलिस है और मेट्रो है और जो पीडब्ल्यूडी है, इन सब को बुला के और केवल इतना देखना चाहिए कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनमें जो अनुमति मिली है उसमें पर्यावरण का जो प्रबंधन है वो कैसे कर रहे हैं, और पर्यावरण प्रबंधन में यदि प्रदूषण नियंत्रित नहीं हो रहा है तो जिम्मेदारी तय की जाए और उन पर जुर्माना लगा जाए। उनके, देखिए, आप केवल चंद लोगों के कारोबारी हितों के लिए आम लोग की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक, पार्षद, सांसद इस मुद्दे की गंभीरता समझे। पूरे देश की राजधानी दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है उससे सबक लेना चाहिए। अमेरिका के साइंटिस्ट दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है उसको सैटेलाइट से देख के वो लोग चिंतित हो रहे हैं। ये सब न्यूज़ पेपर मीडिया में आता है, ये सूचना जनप्रतिनिधियों, अफसरों को धरातल पे उतरने के लिए बाध्य करती है। अब फील्ड पे उतरिए, आप इस रिपोर्ट को, मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश के जो भी जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से इस प्रदूषण की खबर को देख रहे हैं एनडीटीवी की, इसको संज्ञान ले। असंभव कुछ भी नहीं है, आप मौके पे उतरिए, आपने जो अनुमति दी है निर्माण कार्यों को उनका परीक्षण करवाइए, लापरवाह लोगों पे कार्रवाई करिए। मुझे तो ऐसा, इतने सालों में मैंने कभी भी सड़क के निर्माण में और अन्य बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यदि कोई प्रदूषण करता है, मैंने कभी किसी को दंड देते हुए नहीं देखा कि उन पर कभी कोई कार्रवाई हुई हो। क्योंकि ये भोपाल की जो प्राकृतिक संसाधन थे, हम लोग भाग्यशाली थे, यहाँ वायु प्रदूषण नहीं था, हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्थिति थी, हम लोग को इस तरह की स्थिति में कभी आना नहीं पड़ा। लेकिन जब आ गए ये हालात तो हम लोग लापरवाह हो रहे हैं, और जन आंदोलन भी होना चाहिए। उमा शंकर तिवारी जी और मैं तो जो भी सिविल सोसाइटी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें मौके पर उतरना पड़ेगा और केवल जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत इन पर लगाम कसनी है। उमा शंकर सर का रुख कर लेते हैं। सर, तस्वीरें देखकर वाकई में चिंता हो रही है, ऐसा लग रहा है मानो कोरोना काल दोबारा लौट आया हो, क्योंकि
सड़क पर जो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस की तस्वीर मैंने देखी, मास्क लोगों को लगाना पड़ रहा है, मास्क लगाने के लिए लोग मजबूर हो चुके हैं। इसे समझा जा सकता है कि स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। सर देखिए 2016 में दिल्ली में जो हालात बने थे, उधर की तस्वीरें जो आई थी अखबारों में, टेलीविजन में, अगर किसी ने उस समय ध्यान दिया होगा जब कोरोना को कोई जानता नहीं था, बच्चे मास्क लगाए हुए थे, पूरे दिल्ली में स्कूल बंद हो गए थे और कम से कम एक दो स्कूल नहीं, पूरे 1300-1400 स्कूल बंद हुए थे, कई दिनों तक बंद हुए थे। उस समय एक आहट हो गई थी और इससे पहले से लगातार लोग बोलते चले आ रहे हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं अजय जी जैसा काम करते हैं या और भी अन्य जो पर्यावरण से जुड़े लोग काम कर रहे हैं और मीडिया अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहा है, ईमानदारी से निभा रहा है, लेकिन जिला प्रशासन और जिन अधिकारियों के ऊपर जिम्मा है वो इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता नहीं दिखा रहे, इस कारण ये सब हमें भुगतना पड़ रहा है। कोरोना जब 20 और 21 में आया और लोग मर रहे थे तो लोग बड़े चिंतित हो गए थे, बड़ा ध्यान रखने लगे थे, ऐसा लग रहा था अब लोग शायद पर्यावरण की रक्षा करेंगे, लेकिन लोगों को सबक नहीं मिला। और ये देखिए कि हर साल लगभग पूरे विश्व में 90 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं प्रदूषण से, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा रहा है उसके, और हमारे देश की बात करें तो 23 लाख से अधिक लोग मरते हैं। और इस मौत के आंकड़े बस लोगों को इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि कोरोना में एकदम 2-3 दिन में मर रहे थे लोग, ना बहुत एकदम सांस कम हो जा रही थी और अभी भी मर रहे हैं, मौत तो हो रही है लेकिन लोग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी और पेड़ लगाने के लिए जो सरकार गंभीरता नहीं दिखा पा रही है, पेड़ कागजों में बहुत लग रहे हैं, 12.5 लाख पेड़ इस बार भी भोपाल में लगाए गए लेकिन वो पेड़ कहाँ हैं, कैसे हैं, कितने बड़े हुए, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। और हम अपने व्यक्तिगत स्तर पर, हमने अभी 2.5 लाख रुपए के पेड़ लगाए, उन पेड़ों के पानी देने के लिए निवेदन कर रहे हैं सबसे, जिला प्रशासन के अधिकारियों के, नगर निगम के अधिकारियों से, उसमें पानी देने तक नहीं आ रहे और लगातार गुमराह किया जा रहा है। मतलब जब हम जनता कर रही है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं पेड़ लगाइए, जो हमने बड़े बड़े पेड़ एक एक पेड़ 500-700 रुपए का लगा दिया, उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, लोग आ ही नहीं रहे। हम बोल रहे हैं भाई टैंकर से पानी तो डलवा दो, हमने बहुत सारे ट्री गार्ड सहित लगवाए, ये देखा जा सकता है, स्तर पे देखा जा सकता है। अगर देश के नागरिक चिंता नहीं करेंगे, देश के जनजीवन के लिए हम लोग चिंता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार को करना पड़ेगी। अभी अजय जी बता रहे थे जैसा कि नगर निगम द्वारा पानी का छिड़काव हुआ, तो ऐसे छिड़काव की नौबत ही क्यों आ रही है और कितने जगह हुआ ये सब लोग जानते हैं कहाँ हुआ। ये केवल कागजों में दिखाने के लिए, ऊपर रिपोर्ट अच्छी बनाने के लिए हो जाता है, कचरा जलाते हुए मीडिया में खुद आता है कि सरकारी कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी जला रहे हैं, कई जगह खंतियां बना दी गई उसमें आग लग रहा है, तो इसमें पॉलीथीन जब जलती है और जो मीथेन गैस निकलती है उसका कितना बड़ा नुकसान है, पराली जल रही है उससे कितना नुकसान है, इसकी जिम्मेदारी सारी तय कर रखी है जिला प्रशासन से लेकर बिल्कुल सर सही कहा आपने, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसे समझना होगा, चाहे हम वो प्रशासन की बात करें, सरकार की बात करें या फिर हम अपनी खुद की ही बात करें। अजय का रुख करना चाहूंगे हमारे सहयोगी। अजय देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट में मैं देख रही थी, 62% जो कारण है वो बताया जा रहा है धूल की वजह से, और जैसा कि आपने तस्वीरें भी दिखाई कि अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से और भी ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। अधिकारियों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, निगम वालों से बातचीत हुई होगी, उनका इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए जिम्मेदारों का वही रटा रटा है जवाब होता है किसी भी विषय पर। ऋतु आपने हमारी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स देखी होंगी, सिर्फ इसी पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे और सड़क के ऊपर हमने किसी दूसरे टेलीविजन चैनल से ज़्यादा काम किया है और सबसे ज़्यादा सड़कों को लेकर आवाज़ उठाई कि किस तरीके के हालात राजधानी भोपाल में रहे हैं। यदि आप सोचिएगा जिस तरीके के हालात राजधानी भोपाल में हैं, जहाँ तमाम अफसर, तमाम नौकरशाह दिन रात मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल, तमाम अधिकारियों का मूवमेंट रहता है, यहाँ की सड़कें इस तरीके की हैं, यहाँ के प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं और यहाँ की हवा और फिजा इतनी ख़राब है, तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में किस तरीके के हालात होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जिम्मेदार हमेशा रटे रटाए जवाब देते हैं, उनका सीधा तौर पर कहना रहता है कि हम अपने स्तर पर पूरे काम कर रहे हैं, पानी का छिड़काव अलग अलग इलाके में कर रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं। यही कैंपेन जो अब जब फिजा खराब हुई, जब दिवाली के बाद शुरू हुआ,
यही दिवाली के पहले शुरू कर दिया जाता, तमाम स्कूलों से लेकर कॉलेजों से लेकर सरकारी दफ्तर में एक पखवाड़ा आप पॉल्यूशन के नाम पे कर देते, सिर्फ कि पर्यावरण को लेकर जागरूकता और भोपाल की फिजा हवा ना खराब हो उसके लिए एक जागरूकता कार्यक्रम है जो एक सप्ताह तक एक पखवाड़े के रूप में 15 दिनों तक या सप्ताह के रूप में 15 दिनों के बीच में ये चालू संचालित किया जाएगा। अलग अलग जगह आप एक्सपर्ट्स को बोलते, टीचर्स को बोलते, प्रोफेसर्स को बोलते और जो सरकारी विभाग हैं उनके विभाग अध्यक्षों या उनके विभाग प्रमुखों को बोला जाता, तो आज बहुत हद तक इन सब चीज़ों पर कंट्रोल किया जा सकता था। भोपाल का AQI या जितना बिगड़ा है उतना नहीं बिगड़ता और इस पूरे मामले पर एक बड़ी तरीके से अवेयरनेस फैलाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। और अवेयरनेस जरूरी भी है। अजय सर के पास मैं जा रहा चाहूँ कि वक्त थोड़ा सा कम है। सर, ये जो हम पॉल्यूशन को लेकर बात करें, AQI 300 के पार जा चुका है, एक महीने में 5 बार, सोचिए AQI का 300 पार जाना कितना ज्यादा खतरनाक है हम सबकी सेहत के लिए। लेकिन बड़ी बात ये भी है सर कि ये पर्यावरण की सेहत के लिए, हवा की सेहत के लिए भी कितना ज्यादा नुकसानदायक है और कितनी चिंता वाली बात है सर। और देखिए रेतु, ये जो 300 के ऊपर क्रॉस हो रहा है तो ये मनुष्य के जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो निश्चित तौर पर बहुत गंभीर स्थिति भविष्य में हो सकती है। मुझे चिंता है विशेषकर छोटे बच्चों के लिए, मुझे चिंता है उन बुजुर्गों के लिए जिनको की सांस संबंधित समस्या है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए युद्ध स्तर का एक समय आ गया है कि वो फील्ड पे उतर के और इसको रोके, क्योंकि भोपाल में इसी तरह की घटना 40 साल पहले 1984 में हुई थी, जब गैस राजनीति हुई थी, जब जहरीली गैस, तो जब भोपाल पूरे विश्व में एक जहरीली गैस का शिकार बना था, तो पर्यावरण के प्रति हम लोग संवेदनशील थे और हम ये मानते हैं कि अब दोबारा ऐसी त्रासदी ना हो। 40 साल में बिल्कुल सही कहा आपने। उस अभी की बात की जाए तो वाकई में यहाँ पर प्रशासन की बात की जाए, सरकार की बात की जाए, तो यहाँ पर जागना होगा, जागरूक होना होगा और ये जो स्थिति है इस पर नियंत्रण काबू पाना यहाँ पर जरूरी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ NDTV स्पेशल में फिलहाल इतना ही। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।